नमस्कार दोस्तों, अपने एनिमल टैक्सोनॉमी लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का और फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो चलिए लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल के लेक्चर सीरीज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। कल के लेक्चर सीरीज का पहला क्वेश्चन था प्राइमरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम, तो प्राइमरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम होता है मैन। सेकेंड क्वेश्चन था टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट में कौन सी लार्वल स्टेज होती है, तो ओंकोस्फेयर लार्वल स्टेज होती है। थर्ड क्वेश्चन था पिंक टैप वर्म किसे कहते हैं, तो टीनिया सोलियम को कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी कौन से फाइलम के एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो टीनोफोरा के अंदर। इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन था कि रेनेट सेल कौन से फाइलम के मेंबर्स में प्रेजेंट होती है, तो एस्केल्मंथीज। सिक्स क्वेश्चन था कि क्लोए का जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करेक्टरिस्टिक फीचर है एस्केल्मंथीज का, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेल या फीमेल, तो मेल में प्रेजेंट होता है। तो आप सबने रेस्पॉन्ड किया, इसके लिए थैंक्स एंड आई होप यू विल बी कंटिन्यू एंड टुगेदर वी विल मेक डिफरेंस। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट राइट डाउन करते रहें और कंटिन्यूटी बना के रखें। सबसे पहले कल हमने आर्थ्रोपोडा डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसके कुछ एग्जाम्पल बाकी थे, एग्जाम्पल हमने डिस्कस नहीं किए, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है लिमुलस, जिसको किंग क्रैब भी कहते हैं, और ये लिविंग फॉसिल्स का एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रखना है लिमुलस। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है कि ग्रेगेरियस पेस्ट, या कह सकते हैं कि यूथिचार, यानी कि ऐसे पेस्ट जो अपना नंबर सडनली बहुत ही एक्सेसिव इंक्रीज कर लेते हैं, सडनली बहुत ज़्यादा संख्या में रिप्रोडक्टिव करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, तो वो कौन सा है, लॉकस्टा। कौन सा है, लॉकस्टा। लॉकस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। तो लॉकस्ट किसका मेंबर है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ठीक है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि विच वन इज द ग्रेगेरियस पेस्ट, तो वो कौन सा है, लॉकस्ट। इसके अलावा वेक्टर की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के कौन कौन से मेंबर वेक्टर का कार्य करते हैं, एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है। एडीज इंपॉर्टेंट है, एनाफ्लीज पुराना हो गया क्योंकि मलेरियल वेक्टर होता है, एडीज किसका वेक्टर होता है, डेंगू के जो कोजिंग एजेंट है उसका वेक्टर होता है। तो डेंगू के बारे में आप मुझे बताएं, आई होप यू रेस्पॉन्ड कि डेंगू इज ए वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज। इसके अलावा कुछ और है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा के, जैसे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हैं, तीन आपको याद मेमोराइज करके याद रखने हैं, हनी बी, एपिस। इसके अलावा सिल्क वर्म का बॉम्बेक्स और लैक इंसेक्ट का लेसिफर। इसके अलावा आपको हाउस फ्लाई का एग्जाम्पल भी याद रखना है, मस्का डोमेस्टिका। इसके अलावा यूपेगेरस हर्मिट क्रैब। इसके अलावा पेलमैनियस स्कॉर्पियन, ये एग्जाम्पल आपको मेमोराइज करके रखने। लास्ट लेक्चर में स्कॉर्पियन का कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर बताया था, आई होप यू रेस्पॉन्ड। तो सबसे पहले फाइलम, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं फाइलम मोलस्का से। फाइलम मोलस्का का पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। पहला लार्जेस्ट फाइलम कल हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्थ्रोपोडा। दूसरा, मोलस्का फाइलम को सबसे पहले किसने एस्टेब्लिश किया था, तो जॉनस्टन ने मोलस्का फाइलम को सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अगर पूछ ले, कई बार ऐसे पूछ लेता है जॉनस्टन्स ऑर्गन प्रेजेंट इन, तो वो इंसेक्टा के मेंबर जो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा क्लास है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन ऑफ जॉनस्टन, लेकिन ये जॉनस्टन अलग है, ठीक है। इसके अलावा स्टडी ऑफ मोलस्का क्या कहलाती है, मेलेकोलॉजी। और इसके अलावा एक पॉइंट आपको और याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं उनके चारों तरफ सेल प्रेजेंट होता है, कवरिंग होती है, तो स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्कन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द कॉन्कोलॉजी। तो कॉन्कोलॉजी इज रिलेटेड टू मोलस्का। इसके अलावा अगर पूछे कि भाई इसके अंदर सेगमेंटेशन होता है, कि सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, लेकिन एक मोलस्का का मेंबर ऐसा होता है जिसके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है, नियोपाइलाइन। तो आपको याद रखना है कि भाई न्यूपाइलाइना के अंदर सेगमेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन इसमें यहाँ पर भी एक पॉइंट आपको याद रखना है कि स्नेल जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, स्नेल है वो क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। तो आपको दो पॉइंट न्यूपाइलाइन और स्नेल के बारे में ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ट्रिपल ब्लास्टिक होता है ऑर्गन ग्रेड, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर बात करें बॉडी की, तो चार पार्ट में डिवाइड होती हैड, बेसल फुट, विसरल हम्प और मेंटल। मेंटल को पैलियम भी बोलते हैं, तो पूछ ले भी पैलियम प्रेजेंट इन मोलस्कल ऑर्गेनिज्म, तो मेंटल या पैलियम एक ही बात है। मेंटल डोर्सल बॉडी वॉल से मिलकर बनता है और फिर मेंटल कैविटी फॉर्मेशन करता है, लेकिन ऑक्टोपस के अंदर मेंटल कैविटी एब्सेंट होती है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इस मेंटल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, कॉन्कोलियन प्रोटीन। तो कॉन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ मेंटल और सेल, और
कॉन्कोलियन प्रोटीन प्रेजेंट इन मेंटल ऑफ मोलस्का। इसके अलावा अगले पॉइंट आपको याद रखने हैं मोलस्का संबंधित, कि मोलस्का के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके माउथ के अंदर टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिन्हें कहते हैं रेडुला, ठीक है। इसके अलावा जो इनके एलिमेंट्री कैनाल है उसको बोलते हैं हेपेटोपैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? हेपेटोपैनक्रियाज। तो हेपेटोपैनक्रियाटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन विच फाइलम्स मेंबर मोलस्का। इसके अलावा कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर आपको और याद इसमें रखने हैं। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक फीचर क्या याद रखना है, कि जो गिल्स हैं, गिल्स वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं, ठीक है। गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पाइला के अंदर एक करैक्टरिस्टिक फीचर होता है, कि पाइला जब वाटर के अंदर होता है तो रेस्पिरेशन करता है गिल्स के थ्रू, और जब ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होता है तो ये रेस्पिरेशन करता है बुक लंग्स के थ्रू। किसके थ्रू? बुक लंग्स के थ्रू। इसके अलावा इनके अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है? ओपन सर्कुलेशन होता है। बट यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सिफलोपोडा, जो मोलस्का की क्लास सिफलोपोडा है, उसके जो ऑर्गेनिज्म उनमें क्लोज सर्कुलेशन होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मोलस्का कौन सी क्लास है जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो वो है सिफलोपोडा। इसके अलावा इनके ब्लड के अंदर या तो ब्लड पिगमेंट एब्सेंट होता है, या फिर ब्लड पिगमेंट होता है तो कौन सा होता है? हीमोसाइनिन। और हीमोसाइनिन ब्लड पिगमेंट के अंदर होता है कॉपर, तो ये आपको याद रखना है। और हीमोसाइनिन ब्लड पिगमेंट से ब्लड कैसा होता है? ब्लू कलर का, कल भी आपने डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ एक्सक्रीशन की, तो इनमें मेटानेफ्रिडिया के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। मेटानेफ्रिडिया कहाँ प्रेजेंट होता है? मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और इन मेटानेफ्रिडिया के दो नाम भी हैं, ऑर्गन ऑफ कैबर और ऑर्गन ऑफ बोजेनस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछ लें कि भाई ऑर्गन ऑफ कैबर या ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ये किसके नाम है? मेटानेफ्रिडिया के दूसरे नाम है। इन साइंटिस्टों ने इनका नाम रख दिया ऑर्गन ऑफ कैबर या ऑर्गन ऑफ बोजेनस। दोनों ने खोज की, कुछ बताया था इसकी स्टडी के बारे, सॉरी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो ऑर्गन ऑफ कैबर और ऑर्गन ऑफ बोजेनस किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? मोलस्का के अंदर, ठीक है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। अगर बात करें एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, तो अमोनिया या यूरिक एसिड एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है मोलस्का के अंदर। इसके अलावा अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, तो तीन पेयर गैंगलिया प्रेजेंट होते हैं मोलस्का के नर्वस सिस्टम में। कौन कौन से? सेरेब्रल गैंगलिया, पैडल गैंगलिया और इंटरनल गैंगलिया, या कह सकते हैं विसरल गैंगलिया, विसरल गैंगलिया। तो तीन पेयर गैंगलिया प्रेजेंट होते हैं, सेरेब्रल, पैडल और विसरल गैंगलिया। अब इन गैंगलियों को आपस में जोड़ने के लिए दो स्ट्रक्चर होती है जिनको लिंकर्स कहते हैं, एक तो होती है कमिसर और दूसरी होती है कनेक्टिव। कमिसर तो सेम गैंगलिया को जोड़ते हैं, जैसे सेरेब्रल और सेरेब्रल गैंगलिया को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे? कमिसर। और जो डिफरेंट टाइप के गैंगलिया को जोड़ती है उसको बोलते हैं कनेक्टिव, जैसे कि सेरेब्रल गैंगलिया को जोड़े विसरल गैंगलिया से या पैडल गैंगलिया से, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे आप? कनेक्टिव। और विसरल को विसरल से जोड़े तो उसको क्या कहेंगे? कमिशर। तो ये आप पॉइंट आपको याद रखना है। अगर सेंसरी ऑर्गन की बात करें, सेंसरी ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो तीन सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं मोलस्का के ऑर्गेनिज्म में। पहला होता है आई, जिसको ओमेटोफोर कहते हैं। सेकेंड सेंसरी ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट, जो फुट पर प्रेजेंट होता है, स्टेटोसिस्ट। थर्ड सेंसरी ऑर्गन होता है ओस्फ्रीडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओस्फ्रीडिया। ओस्फ्रीडिया क्या है? कि वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में सेंसर प्रोवाइड कराता है मोलस्का के ऑर्गेनिज्म को। तो ये कीमोरिसेप्टर का कार्य करता है। तो कई बार पूछ लेता है कि ओस्फ्रीडिया प्रेजेंट इन मोलस्का, ओस्फ्रीडिया इज ए कीमोरिसेप्टर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मोलस्का के अंदर ओस्फ्रीडिया एक सेंसरी ऑर्गन है। लार्वा की बात करें, तो कल भी बता चुके हैं कि एनिलिडा, और मोलस्का के अंदर कॉमन लार्वा हो तो कौन सा है? ट्रोकोफोर। इसके अलावा पाइला के अंदर जो लार्वा वो कौन सा? वेलिजर। पाइला के लार्वा क्या कहते हैं? वेलिजर लार्वा। नेक्स्ट पर्ल की बात करें, यानी मोलस्का के ऑर्गेनिज्म से पर्ल्स या मोती प्राप्त होता है, तो इसमें एक एग्जांपल आपको याद रखने हैं ट्राइकेडिना। ट्राइकेडिना से जो मोती प्राप्त होता है वो टेनिस की बॉल लाइक होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि टेनिस बॉल लाइक पर्ल कौन से ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, तो वो कौन सा है? ट्राइकेडिना। इसके अलावा नेक्स्ट आपको एग्जांपल की बात करें मोलस्का के एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल है न्योपाइलाइना। न्योपाइलाइना कनेक्टिव लिंक है किस किस की? मोलस
एनिलिडा और मोलस्का की, एनिलिडा और मोलस्का की। और हम पहले बता चुका कि इसके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। दूसरा एग्जांपल है डेंटेलियम, तीसरा एग्जांपल है पायला जिसको एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, चौथा एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना साइप्रिया जिसको ओल्ड करेंसी या कोड़ी भी बोलते हैं, कोड़ी आपने लेमैन लैंग्वेज में सुना होगा कई बार, तो साइप्रिया आपको याद रखना। इसके अलावा डोरिस भी आपको याद रखना, डोरिस सी लेमन समुद्री नींबू कहते हैं। इसके अलावा पिंक टिड्डा, पिंक टिड्डा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिंक टिड्डा को पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, पिंक टिड्डा और ट्राइकडिना दो नाम आपको याद रखने हैं। पर्ल ऑयस्टर इससे भी मोती प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सी पिया कटल फिश, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि फिश फिश वर्ड जहाँ पर हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि जेली फिश, तो आपको पता है ना जेली फिश कौन से फाइलम के मेंबर थे। इसके अलावा लोलीगो, लोलीगो के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसको सी स्क्विड कहते हैं और इसके अंदर रेडुला एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? रेडुला एब्सेंट होता है किसमें? लोलीगो में। इसके अलावा ऑक्टोपस डेविल फिश, इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको याद रखना है आर्किथियोथिस, 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 ये एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लार्जेस्ट नॉन कॉर्डेट है आर्किथियोथिस। इसके अलावा टीथस समुद्री मक्खी कहते हैं, इसके अलावा यूनियो जिसको फ्रेश वाटर सीपी बोलते हैं, और अगर पूछे मैराइन वाटर सीपी तो वो है मिटिलस, मिटिलस। इसके अलावा समुद्री खरगोश इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है। समुद्री नींबू हमने बता दिया, डोरिस समुद्री चूहा भी बताया था, तो समुद्री चूहा का जूलॉजिकल नेम क्या आप बताएं। इसके अलावा पटेला लिम्पेट, पटेला याद रहे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा वो ठीक ठाक है। एप्लेसिया आपको जरूर याद रखना, समुद्री खरगोश कहते हैं, मोलस्का का मेंबर है। बात कर लेते हैं फटाफट इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा की सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? जैकोब कैलिन ने, जैकोब कैलिन ने। मोस्टली इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मैराइन होते हैं। इनके अंदर लार्वा के अंदर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्वा के अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है और एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, वो भी पेंटामेरस, पेंटामेरस मतलब पाँच एक्सिस से इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पूछे तो किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। हेड इनमें एब्सेंट होता है। इनके स्किन पर पेडिसिलरी नामक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो किसका कार्य करती है? बॉडी को क्लीनिंग का कार्य करती हैं। इसके अलावा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम को एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, एम्बुलेक्रल सिस्टम, ठीक है। इन एम्बुलेक्रल सिस्टम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके नाम नाम आपको पता होना चाहिए, कभी कभार पूछ ले, जैसे पोलियन वेसिकल, टिडमांस बॉडी, रेसिमोज और स्टोन कैनाल। तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा, पोलियन वेसिकल, टिडमान बॉडी, रेसिमोज और स्टोन कैनाल। इसके अलावा इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो वाटर एक पोर के द्वारा एंट्री करता है जिसको बोलते हैं मेड्रोपोराइट, क्या वो कहते हैं? मेड्रोपोराइट। रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन स्टारफिश या एस्ट्रियाज में गिल्स या डर्मल ब्रोंकी के द्वारा होता है जिनको पैपुली भी कहते हैं। अगर बात करें बेटल स्टार या ओफियोथ्रिक्स की तो उसमें जेनाइटल ब्रोंकी के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। सी कुकुम्बर की बात करें या कुकुमेरिया या होलियोथेरिया भी इसका जो लॉजिकल नाम है, तो उसमें क्लोइकल ट्री के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा सी अर्चिन या इकाइनस की बात करें तो सी अर्चिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी अर्चिन या इकाइनस के माउथ के अंदर कॉम्प्लेक्स डेंटल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको अरिस्टोटल लालटेन कहते हैं, ठीक है। तो पूछ ले भाई अरिस्टोटल लालटेन इज द कॉम्प्लेक्स डेंटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सी अर्चिन्स माउथ, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं अगर अरिस्टो की लालटेन कौन से फाइलम के मेंबर हैं, तो वो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर हैं, बट दिस इज नॉट ए ऑर्गेनिज्म, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा मोस्टली जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? ट्यूब फिट के थ्रू होता है। एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट होती है, बायपिनेरिया लार्वा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दिस इज रिगार्डिंग इकाइनोडर्मेटा। आपको लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, आई होप आप एडजस्ट करेंगे। ट्रोकोफोर लार्वा कौन से फाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ल्यूमुलस कौन से फाइलम का मेंबर है, ठीक है। ओस्कुलम कौन से फाइलम के मेंबर्स में पाए जाते हैं, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओस्कुलम। फ्री लिविंग फ्लैट वर्म, ये आपको मैं खुद बता देता हूँ, फ्री लिविंग फ्लैट वर्म अगर पूछे तो वो है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इज द सिंगल मेंबर ऑफ प्लेटेलमेंथिज विच लिव फ्रीली। इसके अलावा ओमिटीडिया प्रेजेंट इन विच फाइलम, एंड ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर
ऑफ विच फाइलम ऑर्गेनिज्म। तो आई होप यू रेस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, हैव यू वंडरफुल इवनिंग।